हाय गाइस, तो आज मैं आपके सामने एक रिव्यू लेकर के आ गई हूँ जो कि है गुड वाइव्स का स्किन क्लींजिंग फोमिंग फेस वॉश विद डीप क्लींजिंग ब्रश का रिव्यू, जो कि बहुत अच्छा है। गुड वाइव्स आप सब जानते हैं काफ़ी अच्छा ब्रांड है जो कि पर्पल पे मिलता है। इस ब्रश की एक खास बात है जो कि इसमें ब्रश है, ब्रश आपको क्लीन आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और ये सिलिकॉन ब्रश है जो कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जेंटल होता है। सो मैं तो जब भी मेकअप वगैरह करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, तो मुझे एक ऐसा मतलब ऐसा फेस वॉश चाहिए होता है जो कि मेरी स्किन को बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर सके। सो मेरे लिए तो ये बेस्ट और बेस्ट वाला फेस वॉश है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आपकी स्किन को अंदर से क्लीन करता है। जो इसका फ्रेग्रेंस है वो रोज़ हिप है, मतलब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो रोज़ हिप है। इसमें पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है और बहुत अच्छा है, जेंटल है आपकी स्किन पे। इसका जो प्राइस है वो 349 रुपीज़ है, बट पर्पल पर सेल चलती रहती है तो मैं तो हमेशा आपसे कहती हूँ जब भी सेल चले ना, आप उसको उसका फ़ायदा उठाएं और सेल को ग्रैब कर लें अपने प्रोडक्ट्स को जो आप चाहती हैं। यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल और इजी है। आपको इसको पीछे से प्रेस करना होता है, जब ये इसका एक्चुअल प्रोडक्ट ब्रश में आ जाएगा अपने फेस को डैम करके, उसके बाद सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लीजिए। देन 20 सेकेंड्स के बाद आप अपने फेस को प्लेन वाटर से वॉश करते हैं कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फेस कॉटन टॉवल से पोंछ लीजिए और फिर उसके बाद आपका जो फेवरेट टोनर या सीरम है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी सिंपल और इजी है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें प्यूरिफाइड वाटर, रोज वाटर, ग्लिसरीन और इसमें है आपका लीफ ऑयल एंड इसमें है परफ्यूम। ये सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर ये फेस वॉश बना है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। इसके जब आप ब्रश को यूज़ कर लेते हैं उसके बाद आप इसके ब्रश को इसमें कवर लगा दीजिए जिससे कि इसका जो ब्रश है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। सो हाईली रिकमेंड है। इसका सीरम भी बहुत अच्छा है जो कि मैं पहले बहुत यूज़ करती थी, अभी मैंने थोड़ा रिप्लेस किया है। एक्चुअली मैं नए नए प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है नए नए प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, उसके बाद उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना। सो इसलिए मैंने अभी इसको डिस्कवर किया है। सो आप लोग भी इसको परचेज़ कर सकते हैं।